When RBI Grade B notification for 2022 was released, the first reaction was that everything is same. And indeed, it is, because pattern and syllabus is same. थोड़े बहुत changes हैं, eligibility में हैं, CA clause में हैं, OBC certificates में हैं, but I think those are minor changes. But there is one minor change in finance also. You might be thinking, वो change क्या है? Sir, we have gone through the entire syllabus given in the notification for finance, but ऐसा कुछ change नहीं नजर आया, but एक छोटा सा change है, जो शायद आपने अभी तक notice ना किया हो. मैं बताता हूं आपको. अभी ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज नोटिफिकेशन फॉर 2021, हियर इज द नोटिफिकेशन फॉर 2022. फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर चार चैप्टर्स हैं. देयर आर फोर चैप्टर्स हियर आल्सो. फाइनेंशियल मार्केट्स एंटायरली द सेम लैंग्वेज रिटन हियर. देन जर्नल टॉपिक्स एंटायरली द सेम. 9 टॉपिक्स आर गिवन हियर. देन व्हाट इज द चेंज सर आई एम टॉकिंग अबाउट? वेल गाइस, दिस इज द चेंज. हियर इट इज रिटन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड हियर द वर्ड जनरल हैज बीन एडिड टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. आपको लग रहा होगा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो ऐसे ही उन्होंने लिख दिया. नो गाइस, इफ देयर वुड हैव नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंस, व्हाई वुड दे हैव बॉदर्ड टू ऐड दिस वर्ड एज जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से आरबीआई ने बहुत सोच समझ कर ये वर्ड ऐड किया है. अगर नहीं करना होता, इसका कुछ मतलब ना होता, तो वो करते ही नहीं. बट उन्होंने बहुत समझकर ये वर्ड ऐड किया है, बिकॉज दे नो दैट देर आर सम पीपल हु आर एप्रिहेंसिव ऑफ अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम जस्ट बिकॉज के उनको लगता है इसमें फाइनेंस आ रही है, विच इज कोर फाइनेंस. इवन इन द नोटिफिकेशन आरबीआई राइट्स दैट वी एनकरेज फ्रेशर्स टू अप्लाई. उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सिर्फ फ्रेशर्स को लेना चाहता है. उसका मतलब ये है, बिकॉज देर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग द फ्रेशर्स कि सिर्फ वर्क एक्स वाले लोगों को लिया जाता है. देयरफॉर दे हैव स्पेसिफिकली रिटन इन द नोटिफिकेशन दैट वी एनकरेज फ्रेशर्स टू अप्लाई. ऑन द सेम नोट, आई एम श्योर दे वुड हैव रियलाइज दैट देर इज मिसकंसेप्शन कि जो फाइनेंस है उसको लोग कोर फाइनेंस समझ रहे हैं. दे आर फियरफुल ऑफ दैट, दैट्स व्हाई दे हैव एडेड दिस वर्ड जनरल. तो इसको आप छोटा चेंज मत समझिए, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस. ठीक है, ऐसे ही कोई वर्ड नोटिफिकेशन में नहीं ऐड होता है. देयर वुड हैव बीन अ प्रॉपर प्रोसेस फॉलोड व्हाइल एडिंग दिस वर्ड. देयर वुड हैव बीन प्रॉपर डिस्कशन डन देयर दैट व्हाई वी आर एडिंग दिस वर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दिस वर्ड. बहुत सोच समझ कर ये वर्ड ऐड किया होगा. बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज विंडिकेटिंग दैट वी ऑलरेडी नो. बट स्टिल कुछ लोग बहुत डरते हैं फाइनेंस से. दे थिंक दैट फाइनेंस इज समथिंग कोर फाइनेंस लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एनपीवी, आईआरआर, कैश फ्लोज. ऐसा कुछ भी आरबीआई में नहीं आता है. एंड बाय एडिंग दिस वर्ड जनरल दे हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट देयर इज नॉट इवन अ रिमोट चांस ऑफ दीज थिंग्स बीइंग आस्क्ड. और अगर आप फाइनेंस का सिलेबस देखें गाइज, मतलब आप खुद ही रियलाइज करेंगे. सी द चैप्टर्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉरपोरेट गवर्नेंस, रोल ऑफ ई गवर्नेंस, करप्शन, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेट बैंकिंग. मुझे तो इनमें से कोई भी ऐसा फाइनेंस का चैप्टर नहीं लग रहा है. मे बी इन सम ऑफ द चैप्टर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट उतना तो करना भी पड़ेगा इफ यू वांट टू एस्पायर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, राइट? उसमें तो मजा भी आना चाहिए कुछ नया सीखने में. तो इस चेंज को आप अच्छे से नोटिस कीजिए, और कहीं भी प्रिपरेशन में इफ यू आर स्टिल गोइंग इन डेप्थ, इफ यू आर स्टिल फीलिंग के मैं न्यूमरिकल्स कर लूँ या डेप्थ में पढ़ लूँ, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट. आई टेल यू कि आप सिर्फ बेसिक्स पे फॉलो करें, सिंप्लीफाई योर प्रेप. इवन फॉर द टॉपिक्स लाइक डेरिवेटिव्स और रिस्क मैनेजमेंट, डू नॉट गो इन डेप्थ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे हैव क्लियरली मैंशन द वर्ल्ड जनरल. न्यूमरिकल्स को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. दैट इज वॉट आई कैन गेज. अगर आएंगे भी तो बहुत बहुत सिंपल आएंगे, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे. एंड सिंस now it has been made clear in the notification itself by adding this word, I would say that don't be fearful, have faith, have confidence ki main ye kar sakta hu, aur aap ye kar sakte hain. Just within 30 days by reading 3-4 hours a day aap finance ko bahut acche se cover kar sakte hain. In fact usse less time mein bhi cover kar sakte hain. To aaj ke baad if you have that doubt in your mind that I am not from finance background, how will I cover finance for RBI, please please just see this, that journal finance and management.
ठीक है। अब ये जर्नल वर्ड शायद मैनेजमेंट पे भी लागू हो सकता है, पर मैनेजमेंट तो पहले से ही वो बोलते हैं कि बेसिक्स पे आती है, जर्नल आती है और कभी मुश्किल आई नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस जर्नल वर्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और इसी से आप अपनी प्रेपरेशन को और डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट प्लस एडिशनल 10% ऑन ऑल आर कॉम्बो कोर्सेज। टूडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस। For individual courses, you can use the code single, and for combo courses, you can use the word use the code combo. अगर code मेरे पीछे आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, then this is the code combo. For combo courses and for single courses, you can use the code single to avail this 40 plus additional 10% off. The code expires today. Have a good day, and I wish you best of luck for your exam.